क्वेश्चन 27 देखिए। इफ पी एथ टर्म ऑफ एन ए पी इज क्यू एंड क्यू एथ टर्म इज पी, देन प्रूव दैट एन एथ टर्म इज पी प्लस क्यू माइनस एन। तो हम पहले यहां मान लेते हैं, लेट ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी एंड डी इज इक्वल टू में कॉमन डिफरेंस, और जो डी है हमारा वो कॉमन डिफरेंस है। नाउ अब वो कह रहा है कि पी एथ टर्म ए पी जो है वो क्यू दे रखी है एंड जो क्यू एथ टर्म है वो पी दे रखी है। अगर हम इसमें इसकी पी एथ टर्म निकालें तो उसका फॉर्मूला होगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, दिस इज फर्स्ट। क्यू एथ टर्म निकालें तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी, सेकेंड। अब इस पहले वाली इक्वेशन को आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें, थोड़ा सा सॉल्व क्या, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लो। सो ये हो जाएगी ए प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू, दिस इज फर्स्ट, एंड ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी, यानी ए प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी, दिस इज सेकेंड। अगर, और मुझे शो करना है कि जो ए एन एफ टर्म है, ए एन जो है वो है पी प्लस क्यू माइनस एन, टू शो। अब आप देखें तो अगर मुझे ये ए और डी मिल जाएं तो मैं nth टर्म क्या फिर इसकी कोई भी टर्म निकाल सकता हूं। तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को, तो यहां पे आएगा देखिए ए प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू, ए प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी। माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, यहां पे आया पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। इसमें से माइनस कॉमन, इसको डिवाइड में ले जाओ, माइनस ऑफ पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, यहां पे वैल्यू आ गई माइनस वन, दिस इज डी। डी की वैल्यू को आप यहां रखें और इस टर्म में ए की वैल्यू निकालें, माइनस वन को हम यहां रखेंगे तो ए प्लस ये माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, इधर ले जाएंगे ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। हमें निकालनी थी nth टर्म, सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू है पी प्लस क्यू माइनस वन, डी की वैल्यू है माइनस वन यानी माइनस एन प्लस वन, ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज पी प्लस क्यू माइनस एन, और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड यहां पर है, और यही हमें यहां पर प्रूव करना था कि जो nth टर्म है वो पी प्लस क्यू माइनस एन आपकी आएगी, ये शो कर दी। हमने क्या किया, पी एथ टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्यू एथ टर्म, फिर दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाली, एंड आफ्टर दैट हमने शो कर दिया कि जो एनएथ टर्म है वो पी प्लस क्यू माइनस एन के बराबर होगी।